सूचना आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है? ये नेत्र प्रसाद नेपाल वासी था जी, और कुछ समय से डेली वेजेस पे पर्ल ढाबा बस्ताड़ा में कार्य करता था जी, और अपना कार्य खत्म करके करनाल सिटी में अपनी शॉपिंग करने आया था। जो भी इसको जरूरत का जूता वगैरह जो भी अपने सामान लेना था वो सामान लेके जैसे ही वो हाईवे से उतरा तो कोई अज्ञात अनजान जो वाहन था उसके साथ इसका एक्सीडेंट हो गया। और कुछ लोग जैसे वहाँ पर इकट्ठा हुए तो ढाबे से भी लोग गए वहाँ पर, तो उन्होंने पहचान की इसकी कि ये तो हमारा नेत्रपाली है, नेत्र प्रसाद है। तो फिर इसको गरुंडा लेकर के गए 112 डायल की मदद से, तो वहाँ डॉक्टरों ने इसको करनाल कल्पना चावला के लिए रेफर कर दिया। यहाँ लाने के पश्चात रास्ते में ही नेत्र प्रसाद ने दम तोड़ दिया। और आज कंडीशन काफ़ी खराब थी, दोनों पाँव वगैरह टूट चुके थे जी, काफ़ी चोटें आई और इसको कल्पना चावला में लाए तब तक दम बाइक पे थे। परिवार के साथ रहता था यहाँ पर? नहीं, परिवार तो इनका नेपाल में ही रहता था, ये नेत्र प्रसाद यहाँ आया हुआ था। वैसे तो देखो हम मानो तो हम सभी उसके परिवार थे, ना मानो तो कुछ भी नहीं है जी। मुझे भी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कहीं जाना पड़ता है, आजकल न्यू जनरेशन इतनी पढ़ लिख के कोई बेंगलोर जा रही है कोई कहीं। इसी प्रकार नेत्र प्रसाद भी करनाल में हमारे यहाँ काम करता था जी, और बहुत ही नेक दिल। कितने सालों से काम करते थे? डेली वेजिस पे था, आते जाते रहते थे, एक साल से करीब। एक साल से? हाँ। कितनी उम्र थी लगभग? उम्र इनकी 45 के करीब थी, और बहुत ही अच्छा इंसान था। ठीक है। मैं भी 46 का हो गया हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा एक साफ सुथरा और एक अच्छा एम्प्लॉय देखा नहीं ईमानदार। ये अपनी बहुत सारी यादें हमारे दिल के अंदर छोड़ के गया है। बच्चे इनके नेपाल में रहते हैं, आज उनके दो भाई आए हैं जी, तो परसों से ही बेचारे की डेथ हो चुकी थी, आज उनको ये पोस्टमार्टम करा के अभी उसका दाह संस्कार कराने के लिए जा रहे हैं। जो भी इनका रीति रिवाज है जी, भगवान जी से ये प्रार्थना करेंगे कि नेत्र प्रसाद जी को अपने चरणों में स्थान दे, और पीछे जो परिवार को छोड़ के गए हैं उनको दुख सहन करने की शक्ति। आपका नाम? मैं उमेश चौधरी। ढाबे का क्या नाम है आपके ढाबे का? परल ढाबा बस्ता। हमारे प्राप्त सूचना अनुसार परसों शाम को पता लगा था कि भाई एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है ये गरुंडे में, उसके बाद उसके मौके में डेथ हो गई। तो उसके बाद हमारी जो संगठन के सारे थे हमने सारे मैसेज कर दिए। उसके बाद हमारे ये अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि ये अज्ञात वाहन ने मारा है, और क्या है कहाँ है घटना, जो बाद में अभी ये संस्कार के बाद हम देखेंगे तफ्तीश करेंगे। उसके बाद कोई अज्ञात वाहन हो तो उसके हिसाब से हमें ये बाइक पे थे, बाइक पे सवार? नहीं नहीं, पैदल कह रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? हाँ जी, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये आपको ये बस्ताड़ा आसपास ही हुई है। ठीक है। तो कोई आपने सामान खरीदना आए होंगे, उसके बाद वापस क्या किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी तो नहीं? ऐसी कोई बात, लड़ाई झगड़ा हुआ किसी से? नहीं, अभी तक तो हमारे प्राप्त समाचार में नहीं है, लेकिन हमारी ऐसा है हमारी संस्था भी पूरे अखिल भारतीय स्तर में है, हमारी अपनी अनुसंधान भी चलेगी। तो जो जांच अधिकारी हैं तो मैंने उनसे पूछा था, वो मेरे पहले से जानकारी में है, और इसीलिए तो हमारी ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, उनके पीछे घर परिवार भी है, और कैसा क्या हुआ ये बाद में हमारे परिवार को बता अनुसंधान के विषय है। आए हुए नेपाल से भाई वगैरह आए हुए? हाँ, उनके भाई, बड़े भाई छोटे भाई आए हुए हैं, तो उनके द्वारा संस्कार की जाएगी, उसके बाद में हमारी अनुसंधान होगी जो घटना कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कहाँ है, क्या है। ओनर भी आए हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे, तो हमारी बाद में फिर हमारा जैसा भी अनुसंधान होगा उसके बाद आप लोगों से शेयर करेंगे। क्या नाम है? धन्यवाद। मेरा विक्रम सिंह राणा है, मैं मलपुरा अखिल भारत नेपाली एकता समाज केंद्रीय समिति से हूँ। तो इसीलिए हमें संस्था से हमारा ये सारे फर्ज बनता है, तो ये किसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ है, कैसे करते रजिस्टर कराते तो है नहीं, तो सामने संस्था के अंदर होते हैं तो हमारे पता लगता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो सारे चीज़ को तो हमारे रजिस्टर्ड होता है, हमारी एक वो सारे कंप्यूटर करते हैं जितने हमारे पास आते हैं, तो हमारे पूरे अखिल भारत स्तर में हमारे हैं, लेकिन ये हमारे वो संज्ञान में नहीं थे, आज संज्ञान में आए हैं, हम तो इसके अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद।
तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से एक बहुत ही दुखद समाचार आप देख पा रहे हैं, बहुत ही दुखद है, जो कि हरियाणा के करनाल से निकल कर आया है, जहां पर आप देख पा रहे हैं मॉर्चुरी हाउस से लाइव तस्वीरें, जहां पर नेत्र प्रसाद नामक एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये कहने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है वह अज्ञात वाहन से हुआ है। आप लोगों से अपील रहेगी कि इनके सहयोग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी घटना है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी क्लियर हो सकें और सज़ा जो है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मिल सके जिनके हाथों से एक्सीडेंट हुआ है, या किसकी गलती है, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शिल्पी, मेरे अनुसरों के साथ कैमरामैन पर भी इनके साथ। धन्यवाद।